जांजगीर चांपा जिले में कुछ महीनों से लगातार मोबाइल चोरी की शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन पुलिस को चोरों के ढूंढ में सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके बाद एसपी पारुल माथुर ने साइबर सेल के साथ पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर चोरी हुए मोबाइलों का पता लगाया, जिसमें जांजगीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अलग अलग इलाकों से चोरे हुए 60 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है और वहीं बाकियों की तलाश भी जारी है। पुलिस इन सभी मोबाइलों को उनके धारकों को वापस कर रही है, जिसको लेकर 11 मोबाइल धारकों को एसपी कार्यालय बुलाकर उनके मोबाइल सौंपे गए। मेरा मोबाइल 10 जनवरी को गुम हो गया था। इसके पश्चात मैंने तुरंत पुलिस को खबर की और जब्त किया, तो उसके बाद मैंने ये मोबाइल मुझे आज दिनांक 20 तारीख को मैं उनको मिला है, जो ये है। और ये मोबाइल मेरा बहुत मेहनत का था, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस ऑफिसर को, जो मेरे मोबाइल को और बाकी मेरे साथी जो भी आज जिनका मोबाइल मिला है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो मोबाइल दिला दिया। कोरोना काल में फिर दोबारा मोबाइल खरीदने का भी इतना हिम्मत भी नहीं है कि खरीद सके इतना महंगा मोबाइल। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष कुमार देवांगन है, मैं सिवनी चांपा का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल 30 नवंबर को चोरी हो गया था। मैं पुलिस थाना में FIR लिखवाया था इसका, और ये पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये मोबाइल मेरे अभी 20 तारीख को प्राप्त हो गया है। मैं पुलिस अधीक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोबाइल थी किस तरह से ये पिछले 4-5 महीनों में लगभग कई आवेदन मिले थे पुलिस में, जिसमें कि कुछ गुम मोबाइल, कुछ गिर गए थे कहीं, कुछ चोरी के भी मोबाइल थे। तो इसमें पिछले 8-10 दिन से एक अभियान के रूप में खासतौर पर साइबर सेल ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन काम करते हुए 60 नग मोबाइल इसमें रिकवर किए हैं। और ये सभी स्मार्टफोन्स हैं, जो कि जिनकी औसतन कीमत 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में होती है। तो टोटल ये 60 मोबाइल्स अलग अलग जगहों से रिकवर किए हैं, कुछ अलग जिलों से भी रिकवर किए हैं। और आज इसी कड़ी में 11 जो मोबाइल ओनर्स थे, उनको पुलिस ऑफिस बुला के, एसपी ऑफिस बुला के उनको वापस किए गए हैं। और वो इसे